हेलो चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी प्राइमर सब्जेक्ट सो लेट कंटिन्यू प्रश्न नंबर फोर हिंदी वाक्य और उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ो और लिखो हिंदी वाक्य और उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ो और लिखो रीड द हिंदी सेंटेंस विथ इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड राइट इट वन नंबर मैं सतीश हू मैं सतीश हू आई एम सतीश आई एंड सतीश दो नंबर तुम दीपाली हो तुम दीपाली हो यू आर दीपाली यू आर दीपाली थ्री नंबर में विद्यार्थी हूँ मैं विद्यार्थी हू आई एम ए स्टूडेंट आई एम ए स्टूडेंट फोन नंबर यह लड़का है यह लड़का है तीस इज ए बॉय तीस इज ए बॉय आई नंबर वह लड़की है वह लड़की है डेट इज ए गर्ल डेट इज ए गर्ल फिर से देखो एक बार रीडिंग मैं सतीश हूँ आई एम सतीश तुम दीपाली हो यू आर दीपाली मैं विद्यार्थी हूँ आई एम ए स्टूडेंट यह लड़का है दिस इज ए बॉय वह लड़की है डेट इज ए गर्ल ऐसे हिंदी का अपने को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है सिक्स नंबर मुझे खेल में मजा आया मुझे खेल में मजा आया आई वोट प्लेजर इन प्लेइंग आई वोट प्लेजर इन प्लेइंग अनिल ने बस का टिकट लिया अनिल ने बस का टिकट लिया अनिल टुक ए बस टिकट अनिल टुक ए बस टिकट मेरा स्कूल अच्छा है मेरा स्कूल अच्छा है My school is good. My school is good Your arm Your arm kata this mango is sour this mango is sour. टेन नंबर मेरी नाक छोटी है मेरी नाक छोटी है माई नोज इज स्म स्मॉल माई नोज इज स्मॉल यह गेंद है यह गेंद है This is a ball. This is a ball. Twelve number. यह गेंद छोटी है. यह गेंद छोटी है. This ball is small. तीसरे ball is small. ये लड़के हैं। ये लड़के है दीज आर बॉयज दीज आर बॉयज वे लड़कियां है वे लड़कियां है दोज आर गर्ल दोज आर गर्ल मेरी पुस्तक अच्छी है मेरी पुस्तक अच्छी है माई बुक इज गुड माई बुक इज गुड अभी फिर से एक बार रीडिंग करेंगे मुझे खेल में मजा आया आई गोट प्लेजर इन प्लेइंग अनिल ने बस का टिकट लिया अनिल टू ए बस टिकट अनिल टू के बस टिकट मेरा स्कूल अच्छा है मेरा स्कूल अच्छा है माई स्कूल इज गुड माई स्कूल इज गुड यह आम खट्टा है यह आम खट्टा है दिस मैंगो इज शावर मेरी नाक छोटी है मेरी नाक छोटी है माई नोज इज स्मॉल माई नोद इज स्मॉल यह गेंद है यह गेंद है दिस इज दिस इज यह गेंद छोटी है यह गेंद छोटी है दिस बॉल इज स्मॉल दिस बॉल इज स्मॉल ये लड़के है ये लड़के है दिस आर बॉयज दिस आर बॉयज एक होता है तो इज लगता है एक से ज्यादा है तो आर लगेगा दीज आर बॉयज वे लड़किया है वे लड़किया है दोज आर गर्ल्स दोज आर गर्ल्स मेरी पुस्तक अच्छी है मेरी पुस्तक अच्छी है माई बुक इज गुड My बुक इज गुड हम आज हिंदी ऐसे मोर के बारे में जानेंगे पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है इसकी नीली और लंबी गर्दन पर कलंकी होती है उसकी नीली और लंबी गर्दन पर कलंकी होती है उसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं उसके पंख लंबे और रंग बेरंगी होते हैं उसकी आवाज मधुर होती है उसकी आवाज मधुर होती है वर्षा के दिनों में मोर म्याऊ मियाओ मियाव करके बरसात को बुलाता है जब बादल गिर जाते हैं तब यह मारे उसी के पंख फैलाकर नाचने लगता है उसका नाच बड़ा मनभावक होता है पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है उसकी नीली और लंबी गर्दन पर कलंकी होती है उसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं। उसकी आवाज मधुर होती है वर्षा के दिनों में मोर बरसात को बुलाता है जब बादल गिर जाते हैं तब वह हमारे खुशी के पंख फैलाकर नाचने लगता है उसका नाच बड़ा मन भावक होता है आपने देखा होगा के मोर नाचता है तो उसकी जो पंखड़िया होती है वह पूरी ऐसे गोल फैलाता है फिर वो डांस करता है मोर पैर पर रहता है मोर पैर पर रहता है खेत खेत खलिनों में भी यह घूमता है अक्षर यह बाघ और जंगल में पाया जाता है मोर को आप देखोगे अक्सर बाघ और जंगल में होते ज्यादातर यह अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है मोर सांप का दुश्मन है आपको देखा होगा कि मोर जहां भी साप को देखेगा वो मार डालता है हम्म ओ, ये मोर का पिक्चर है देखो पक्षियों में मोर सबसे सुंदर दिखता है उसकी नीली और लंबी गर्दन होती है देखो ये गर्दन दिखाई है उसकी और उसके गर्दन पर कलंक की होती है यहाँ पे कलंकी है हुँ? उसके पंख लंबे और रंग बिरंग भी होते हैं उसके पंख दिखाया है आपको हम्म लंबे और रंग बेरंग भी होते हैं देख रहे हो आप उसकी आवाज मधुर होती है बरसात के दिनों में वो बहुत बोलता है जब बादल घिर जाते हैं बारिश आ जाती है तब यह खुशी के मारे पंख फैलाकर नाचने लगता है आप देख रहे हैं उसके पंख फैलाए हुए हैं पूरे पंख होते हैं उसको फैलाया हुआ है और खुशी के मारे वो नाचने लगता है उसका नाच बड़ा मनभावक होता है आप देखना जब मोर नाचता होगा तो अपने को देखने में बहुत खुशी आएगी मोर पेड़ पर रहता है खेत खलियालों में भी ये घूमता रहता है अक्सर यह बाघ और जंगल में पाया जाता है यह अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है मोर पंख से रंग बिरंगी पंखे मुकुट और सजावट की चीजें बनती है मोर के पंखे होते हैं ना उससे ये पंख वो पंखे उससे रंग बेरंगी पंखे बनते है मुकुट यानी सिर पे रखने के मुंगकुट और सजावट की चीजें बनती है उसके पंख से श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना हुआ मुगट पहनते थे वो भगवान श्री कृष्ण थे वो मोर से पीछे से बना हुआ पीछे है उसके बना हुआ वो मुगट पहनते थे बच्चों को मोर के पंख बहुत प्रिय लगते है वे अपनी किताबों में उसे संभाल कर रखते हैं। मोर का पीछा देखना बच्चों कभी कभी वो मोर के पीछे को अपने बुक में संभाल के रखते हैं। मोर को चिड़ियाघरों में रखा जाता है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है पीहू पीहू ऐसे आवाज करेगा आपने देखा होगा मोर की आवाज कभी सुनी होगी देखो मोर के बारे में है ये देख रहे हो ना मोर आपको पिक्चर में कैसे दिख रहा है सबसे पंख पक, सी है वो तोता तोता के बारे में जानेंगे अभी तोता तो, तो पैरोट तोता एक सुंदर पक्षी है तोता एक सुंदर पक्षी है उसका रंग हरा होता है आप देख रहे हो उसका रंग हरा है हरे रंग का होता है उसके गले में काली धारी होती है आप देख रहे हो उसके गले में काली होती है ऐसे दिखाई दे रहा है पिक्चर में उसकी छाछ लाल होती है लाल कलर की उसकी छाछ होती है वह आगे से मुड़ी हुई होती है और नोकदार होती है देखो मुड़ी हुई और नोकदार निडाल दिखाई दे रही है तोते की आवाज मीठी होती है सिखाने पर तोता आदमी की तरह कुछ शब्द बोल सकता है उसको पढ़ाओगे तो वो अपने आदमी की तरह वो शब्द भी बोलते हैं इसीलिए लोग उनसे पालते हैं वे उसे आओ सीताराम ऐसे शब्द सिखाते हैं इसे पिंजरे में रखा जाता है पिंजरे में आप देखना किसी लोग पालते उसको तो पिंजरे में रखता है तोते को हरी मिर्च चना और अमृत बहुत पसंद है हरी मिर्च चना और अमरुद बहुत पसंद है जंगल में तोता पेड़ पर रहता है शिकारी उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेता है लोग शिकारी से तोते को खरीदते हैं तोता अपनी मीठी बोली से सबका मन मोह मौ लेता है देखा आपने तोते के बारे में कि तोता एक सुंदर पक्षी है उसका रंग हरा होता है उसके गले में काली धारी होती है उसकी चाँच लाल होती है वो आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है तोते की आवाज मीठी होती है हुँ? सिखाने पर तोता आदमी की तरह कुछ शब्द बोल सकता है इसीलिए लोग उसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च चना और अमरूद बहुत पसंद है जंगल में तोता पेड़ पर रहता है शिकारी उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेता है लोग शिकारी से तोते को खरीदते हैं तोता अपनी मीठी बोली से सबका मन क्या करता है मोह लेता है हो ही आपको अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर और तोते के बारे में आज आपको मैंने थोड़े सेंटेंस बताए तोता एक सुंदर पक्षी है इसका रंग हरा होता है उसके गले में काली धारी होती है उसकी चाँच लाल होती है वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है देख रहे हो आप मुड़ी हुई और नोकदार अणी डाल होती है अड़ी वाली होती है उसके नोकदार बोलते हैं, तोते की आवाज मीठी होती है सिखाने पर तोता आदमी की तरह कुछ शब्द बोल सकता है इसीलिए लोग उसे पालते हैं तोते को हरी मिर्च चना और बहुत पसंद है जंगल में तोता पेड़ पर रहता है शिकारी उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेता है लोग शिकारी से तोते की खरीद करता है खरीदते हैं। तोता अपनी मीठी गोली से सबका मन मोह लेता है ये तोते के बारे में बताया है तोता पहाड़ों में रहता है वह फल खाता है सबका मन बहलाता है आपने देखा ना तोते के बारे में और अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर दोनों के बारे में मैंने आपको कुछ सेंटेंस बताए उसको याद करना है समझ गए ओके अंडरस्टूड